गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ नितेश पाठक इन सर्विंग पब्लिक स्कूल। कुछ दिन पहले आपको मैंने वीडियो क्लिप में आपको कुछ दिन पहले मैं भजन आपको बताया था, और अब आपको मैं इस वीडियो क्लिप में वीडियो क्लिप हमारा 16 जो कि तबले के विषय में कुछ और बातें रह गई थी जिसे मैं बताना। अब है हमारा तबला शास्त्र, कि तबला शास्त्र में और आगे क्या क्या है, कि क्या है उसमें हमारा आता है कि अब ठेका, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो क्लिप में बताया था कि तबले के वर्णन में कि आपका बोल क्या है, उसी प्रकार बोल और ठेका बात एक ही है, दोनों बातें एक ही है। तो ठेका है क्या, अब आपको मैं इस तबले के माध्यम से समझाता हूँ कि प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे ठेका कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखें, दादरा ताल, जैसे कि पिछले वीडियो क्लिप में आपको मैंने 3 ताल लिखवाया था, तो उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ये भी है दादरा ताल। सब अनेक प्रकार के ताले होती हैं, 3 ताल, दादरा ताल, छप ताल, कहरवा, तो ये दादरा ताल। तो दादरा ताल का ठेका है धा धिन्ना धा तुन्ना, ठीक है, धा धिन्ना धा तुन्ना। इनके मात्रा 6, ताली 1, खाली 1 और भाग 2 होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, मात्रा है, 1 ताली 1 खाली 1 भाग 2 भाग, 2 भागे हैं। ये बोल है आपका धा धिन्ना धा तुन्ना, और इस बोल का नाम क्या है, दादरा ताल है ये 6 मात्रा का। तो इस तरह से आपका होगा धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन्ना, इस प्रकार ये बजेगा तबले पर। अब है हमारा नेक्स्ट छप ताल का ठेका, ठीक है, बोल ठेका या बोल बात एक ही है। तो ये हमारा अब है छप ताल का बोल कि धीन्ना धी धीन्ना तीन्ना धी धीन्ना धीन्ना धी धीन्ना तीन्ना धी धीन्ना, है ना। इनके मात्रा 10 होते हैं, ताली 3, खाली 1 और भाग 4 होते हैं। अब देखिए ये कैसे बजेंगे ताल माध्यम से समझे, धीन्ना धी धीन्ना तीन्ना धी धीन्ना धीन्ना धी धीन्ना तीन्ना धी धीन्ना, इस प्रकार इसमें 1 2 3 ताल पर 1 खाली और 10 मात्रा है और 1 2 3 4 भागे। अब है हमारा आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, अब आपको मैं समझाऊं। किसी भी ताल के पूरे ठेके क्या है, किसी भी ताल के पूरे ठेके, किसी भी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने से एक आवृत्ति पूरी होती है। जैसे ये आप एक ताल बजाए, ठीक है, तो एक बार जब आपको ये बजाए तो ये आपका एक आवृत्ति हुआ। इसी प्रकार आप दो बार इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो ये जब आप पूरा पूरा एक रिपीट करते हैं दो बार तो वो आवृत्ति होती है, आवृत्ति को आवर्तन अथवा आवर्त भी कहते हैं। अब है हमारा संगति, संगति क्या है, ठीक है, तो गाने बजाने और नृत्य के साथ तबला बजाने को संगति कहते हैं। जैसे कहीं आपने देखा होगा गाना बजाना और ये, तो उसमें तबला भी होते हैं, हारमोनियम भी होते हैं, तो ये सब का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संगति के और बिना इन सब के संगीत नहीं होते। अब हमारा तिहाई, तिहाई क्या है भाई, तो किसी भी बोल ठेका, बोल अर्थात ठेका के टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई अथवा तिहा कहते हैं। जैसे ये बोल है आपका धीना धी धीना धीना धा धीना धा धुना, ये बोल है आपका, तो कोई भी टुकड़ा लास्ट का, तो ये टुकड़ा है ना धा तुना, तो इसको धा तुना धा धा तुना धा धा तुना धा, ये जब लास्ट टुकड़े को हम 3 बार रिपीट करते हैं, 3 बार उस टुकड़े को बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तिहाई। तो ये इस प्रकार ये आपका तिहाई भी कंप्लीट हुआ। तो अब आप इसको बहुत बढ़िया से लिख लेंगे और समझ लेंगे, यदि कोई परेशानी और समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे जिससे मैं आपका समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।